गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश रीडर। ओके, तो बच्चों चैप्टर आपके 24 रीडिंग हो गई थी। आप प्रीटी गर्ल एक सुंदर लड़की, इसकी रीडिंग हो गई थी। वर्ड मीनिंग हो गए थे आपके, चैप्टर में से ही पढ़ाया गया था वर्ड मीनिंग को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आज क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। पेज नंबर 72 पर जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है नेहा इज स्टैंडिंग। नेहा कहाँ खड़ी थी? इन द बाथरूम, एट द डोर, ऑन द रोड। तो बच्चों ए पर टिक लगा लीजिए, इन द बाथरूम। बुक में फिल करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है वाट विल नेहा डू आफ्टर ब्रशिंग हर टीथ। नेहा है वो ब्रश कर रही थी, कहाँ पे कर रही थी? टेक ब्रेकफास्ट, टेक बाथ। तो बी पर टिक लगा लीजिए, टेक बाथ, बाथरूम में कर रही थी ना। नेक्स्ट है वाट इज नेहा मदर। नेहा की जो माताजी हैं वो क्या हैं? आ हाउस वाइफ, अ टीचर, अ डॉक्टर। तो बच्चों क्या थी नेहा की मदर? अ टीचर। बी पर टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको ट्रू फॉल्स लगाना है। तो नेहा ब्रशेस हर टीथ डेली। नेहा ब्रश डेली प्रतिदिन करती है। तो इसमें भी बच्चों फिल कर लो ट्रू, हाँ करती है। नेहा रेस्पेक्ट हर टीचर। नेहा अध्यापकों का रेस्पेक्ट करती थी, सम्मान देती थी, हाँ ट्रू करिए। नेहा नेवर कंप्लीट हर होमवर्क। नेहा अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करती थी ना, तो फॉल्स कर लीजिए, FALSE फॉल्स। नेहा हैज वन सिस्टर ओनली। नेहा एक ही बहन थी, तो इसमें बच्चों नेहा की एक बहन थी, नहीं फॉल्स आएगा इसमें, फॉल्स कर लीजिए। नेहाज मदर इज नर्स। नेहा की जो माता जी हैं वो नर्स हैं, नहीं फॉल्स आएगा। क्वेश्चन आंसर ब्लैक बोर्ड पे कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहा इज अ प्रीटी गर्ल। तो इसमें प्रीटी आप फिल कर लीजिए, PRETTY। नेहा एक सुंदर लड़की है। नेहा डैश यूज सोफ। नेहा साबुन यूज में लेती थी, तो करिए नेहा डज नोट, DOSENOT, DOESNOT, डज नोट। नेहा साबुन उपयोग में नहीं लेती थी। नेहा डैश फर्स्ट इन हर क्लास। तो इसमें फिल करिए बच्चों, ऑलवेज स्टैंड। नेहा हमेशा फर्स्ट आती थी, तो लिखिए ऑलवेज, ALWAYS STANDS, ऑलवेज स्टैंड। नेक्स्ट है नेहाज मदर लव्स। जो नेहा की माता जी है वो नेहा से बहुत प्यार करती है, तो नेहा फिल कर लीजिए, NEHA। नेहा इज हर ओनली, डैश में फिल करिए, ओनली, ONLY, ओनली डॉटर। नेहा ओनली डॉटर, नेहा एक ही थी, तो ONLY ओनली फिल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यू हैव डिफरेंट रूम इन योर हाउस विद डिफरेंट नेम्स, मेक अ लिस्ट। आपके जो हाउस में डिफरेंट रूम होते हैं उनके आपको नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट में डाल रखा है बाथरूम,
ऐसे ही सेकंड नंबर पे बेडरूम जहाँ हम आराम करते हैं, नेक्स्ट लिविंग रूम, LIVING ROOM, लिविंग रूम। बेडरूम की स्पेलिंग देखिए, BADROOM, बेडरूम। नेक्स्ट है किचन, KITCHEN, किचन। नेक्स्ट है बच्चों लिविंग रूम क्या होते हैं, जो बैठक होती है ना अपनी, उसको बोलते हैं बेडरूम, शयन कक्ष। डाइनिंग रूम जहाँ हम खाना खाते हैं, स्पेलिंग लिखिए DINING ROOM, डाइनिंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समटाइम्स वी यूज वर्ड टू शो द पोजिशन बिटवीन वन नाउन एंड अनोदर, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन आपको बताया था ना मैंने, ऑन, इन, टू, एट, ये प्रीपोजिशन होते हैं। द कलर्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर प्रीपोजिशन। तो बच्चों जो ये कलर्ड में, रेड में दिया गया है ना, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है, किताबें हैं, वो टेबल के ऊपर है, तो ऑन क्या आ गया, ये प्रीपोजिशन। टू प्रीपोजिशन, अनिल इज गोइंग टू द मार्केट, तो टू क्या आ गया, प्रीपोजिशन। द डॉग इज सिटिंग एट द गेट, तो एट क्या आ गया, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, मेरे साथ साथ फिल करते जाना, पेज नंबर 74 पर जाइए। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन ब्लू। देखो बच्चों, आपको प्रीपोजिशन दिए गए हैं, आपको सेंटेंस सही तरीके से फिल करना है। एट, ओ, फॉर, फ्रॉम, बिहाइंड। तो द बॉयज आर कमिंग एट, एट फिल करिए, द स्कूल। जो लड़के हैं वो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। मैरी इज स्टैंडिंग डैश द गेट। तो जो मैरी है वो गेट के पीछे है, तो बिहाइंड करिए, बिहाइंड मीन्स पीछे, BEHIND, बिहाइंड। नेक्स्ट है बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। ऑफ फिल कर लीजिए, वी विल बाई आ शर्ट फ्रॉम हिम, इसमें फ्रॉम फिल कर लीजिए। जॉन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द टेबल। जॉन है वो टेबल के पीछे है, तो बिहाइंड फिल कर लीजिए, BEHIND। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द मिसिंग लेटर। ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं, इसमें मिसिंग लेटर है, वो आपको फिल करना है। तो फर्स्ट देखिए, FO-E-T। तो फर्स्ट में बच्चों, फर्स्ट में R फिल कर लीजिए और सेकंड वाले में S, FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। नेक्स्ट है बच्चों, LA फिल करिए, TE, लेट। लेट मीन्स देर से। नेक्स्ट है बच्चों, C HILDREN, चिल्ड्रन। फर्स्ट में सी और नेक्स्ट में एन फिल कर लीजिए। नेक्स्ट है वर्शिप, WORSHIP, फर्स्ट में ओ, नेक्स्ट में एस। नेक्स्ट है COFFCE, कॉफी, ई आएगा बच्चों। तो फर्स्ट में ओ और नेक्स्ट में ई। आई आई आई। नेक्स्ट है बच्चों, HAPPY, फर्स्ट में ए, सेकंड में पी फिल कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, PR-OUD, ओ फिल करना है, प्राउड। नेक्स्ट है TOR-O-SE, फर्स्ट डैश में टी, सेकंड में आई, टोर्टाइज। नेक्स्ट है W-N-, तो फर्स्ट में आई और सेकंड में डी फिल कर लीजिए, विंड। विंड मीन्स हवा।
नेक्स्ट है डब्लू एच आई फिल करिए टी ई वाइट, वाइट में सफ़ेद। नेक्स्ट है बच्चों टी एच ओ यू जी एच टी थॉट, ठीक है। अब देखिए लुक एट व्हाट नेहा डस्ट एंड नेक्स्ट है लुक एट व्हाट नेहा डस एंड नंबर द सेंटेंस ब्लू। आपको इन पिक्चर में देखना है कि नेहा क्या क्या कर रही है। सबसे पहले आपको देखना है क्या कर रही है, तो आपको नंबरिंग डालनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या कर रही है नेहा, ब्रश कर रही है ना, तो क्या आएगा नेहा ब्रश हर टीथ। नेक्स्ट में आपके क्या कर रही है नहा रही है, तो नेहा टेक्स बाथ। नेक्स्ट क्या कर रही है नेहा टेक्स ब्रेकफास्ट। लास्ट में नेहा कंप्लीट्स हर होमवर्क। तो फर्स्ट नंबर पे ये आपका फोर्थ नंबर हो जाएगा, नेहा कंप्लीट हर होमवर्क। यहाँ पे नेहा क्या कर रही है कंप्लीट कर रही है होमवर्क। नेक्स्ट आपका नेहा टेक बाथ, नेहा क्या कर रही है नहा रही है ना। नेक्स्ट है नेहा टेक ब्रेकफास्ट। थर्ड नंबर पे ये आएगा, फर्स्ट नंबर पे नेहा ब्रश हर टीथ। नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग, अ थिंग मेड ऑफ पेपर। पेपर कहाँ है, ये बुक है ना बच्चों। लास्ट में बुक से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है अ थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, नेक्स्ट ग्लास पे मैच करना है आपको। नेक्स्ट है आ थिंग्स मेड ऑफ कॉटन, कॉटन के क्या होते हैं क्लोथ्स होते हैं ना, तो ये टी शर्ट है इससे फिल करिए मैच करिए। आ थिंग मेड ऑफ वुड, वुड से क्या बनी हुई है चेयर, चेयर से मैच करिए। आ थिंग्स मेड ऑफ सॉरी आ थिंग्स मेड ऑफ वीट, तो वीट से क्या बना हुआ है ब्रेड, तो ब्रेड से मैच करिए। तो बच्चों जो मैंने आज आपको फिल कराया है बुक में, उसमें आपको क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन फोर्थ होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है। कुछ समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हो। ओके बच्चों।